सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ये पैसा तो तमाम ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। 16,000 करोड़ रुपया टोटल बताया गया है, जिसके बारे में मार्च के पहले हफ्ते में बताना पड़ेगा एसबीआई को और चुनाव आयोग को तमाम को कि साहब कौन सी कंपनी ने पैसा दिया, इस बारे में नहीं जाता। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस आई का जो बैंक का खाता है उसको सीज कर दिया गया था, कुछ देर के बाद खोल दिया गया। कहा जा रहा है कि 210 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा आईटी विभाग ने कि साहब आपके ऊपर बकाया है या आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया। एक लंबी खबर है और कल से लेकर अब तक हंगामा उठा हुआ है इस बात का लेकर कि कांग्रेस आई को एक तो पैसा ही बहुत कम मिलता है, कारपोरेट लोग सोचते हैं कि ये वाला घोड़ा हार जाएगा तो इन पर पैसा क्या लगाना, जो उनको घोड़ा जीतता हुआ नजर आता उस पर वो पैसा लगा देते हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब 10,000 करोड़ रुपया भाजपा को मिल गया है, 1,500 करोड़ कांग्रेस को मिला था सिर्फ, अब उन पे भी आपने ताला लगा दिया है। 2017 में, शायद 2017 की बात है, हाँ, जब वो नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो कहा यह जा रहा था कि मुलायम सिंह की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कमर तोड़ दी है, इलेक्शन जीत जाएगी सरकार। अच्छा, पैसे से इलेक्शन होते भी हैं। एक कैंडिडेट को 75 लाख रुपया खर्च करने की इजाज़त है लोकसभा के एतबार से, ऐसा सुना है। लेकिन वो 75 लाख रुपया देता है या कई करोड़ रुपया कुछ पार्टियों को दे देता है। बहुजन समाज पार्टी पे तो बाकायदा आरोप लगते हैं कि करोड़ों रुपया लेकर टिकट मिलता है और कई बार उनके घोटाले सामने भी आए। उनका राइन एक नेता था, वो पकड़ा गया था, कैमरे पर देखा था हमने, कुछ लेन देन की बात थी। और बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया, नसीबुद्दीन सिद्दीकी जब गए तो वो आवाज़ें जो टैप रिकॉर्ड में थी, मोबाइल में थी, सब बता दिया था। तो वो कोई मसला नहीं है, इसके हमारे पास अगर सबूत बहुत ज़्यादा नहीं है। हर आम दर्शक को मालूम है कि मायावती जी पैसे लेकर के बहुजन समाज के लोगों को बेचती हैं, ऐसा लोगों का कहना। ये भी बात बताने नहीं आया, बताने के लिए हाजिर ये हुआ हूँ कि इमरान खान अभी पाकिस्तान के अंदर लगभग जीत ही गया। सबसे बड़ी पार्टी तो थी, लेकिन वहाँ की फ़ौज और वो नवाज़ शरीफ की पार्टी और तमाम लोगों ने उसकी सीटों को कुछ कम कर दिया। वो गिनती चल रही है, वो लगभग फुल क्लीन स्वीप मार गया, सबसे बड़ी पार्टी तो बन गया। उसकी ना पार्टी थी, ना उसका सिंबल था। जेल में वो मौजूद, उसके जितने भी रणबांकुरे थे जीतने वाले, उनके पर्चे निरस्त। पैसा नहीं, कुछ लोगों ने एआई के माध्यम से इमरान खान की शक्ल बनाई, उसको थोड़ा सा उन्होंने सोशल मीडिया पर चला दिया। इतनी सुबह मैं वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की वो जनता जो ग्रामीण भी है, रोटी रोज़ी पानी बिजली ज़्यादातर नहीं है, वो लोग लाइनों में खड़े हो गए। अरे कौन है भैया इमरान खान, इसने ऐसा क्या काम कर दिखाया था जिसकी वजह से ज़मीन पर तमाम लोगों ने वोट उसको दे दिया। और वो अमेरिका अफ्रीका से आए हुए तमाम नवाज़ शरीफ और उसके भैया भतीजे सारे, वो सब बेकार हो गए। क्यों? प्रोपेगेंडा भी उन्हीं के खिलाफ, और जो वहाँ जैसे गोदी मीडिया का हाल है ऐसे वहाँ पर भी अपना ज़मीर बेचू लोग हैं, वो इकट्ठे होकर के बैठे होते वहाँ वो। और यहाँ अडानी और अंबानी और तमाम टाटा बिरला सब लोग मौजूद हैं, तंत्र मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लोगों के जहन को बदलने की तमाम ताकतें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ दोस्तों कि इलेक्शन पैसे से नहीं जीता जाता। देखिए, मैं बिल्कुल माहौल के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। इमरान खान की बात मैंने आपको बताई है, जब वहाँ की ज़्यादातर जाहिल जनता और पढ़े लिखे लोग भी इमरान खान को वोट कर गए, तो फिर यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में फ़र्क क्या है? वो गोश्त खाते हैं, यहाँ के लोग नहीं खाते, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया जा रहा है। बात यह है कि आप दरअसल देश के बारे में मुद्दा रखने में कितने ज़्यादा कामयाब और कासिर हैं। केजरीवाल जब आया था और उसके पीछे वो महाराष्ट्र के बूढ़े थे, मैं उस आदमी को कोई ज़्यादा इज्जत नहीं देना चाहता, क्योंकि वो आया था मनमोहन सिंह की सरकार को ख़त्म करने। बहरहाल वो एक सब लोग टोपी पहने घूम रहे थे, मैं हूँ अन्ना, मैं हूँ अन्ना, इस तरह से एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। उसी आंदोलन को छोटे रूप में, आंशिक रूप में राहुल गांधी चला रहे हैं। बाकी तमाम नेताओं की नज़र है अरे हमारा खाता सीज कर दिया। अरे भाई, एक आदमी जो सही सोच का हो, जो देश को सही दिशा दशा देने वाली बात करता हो, उसको ज़मीन पर आप हीरो बना दीजिए। चंद्रशेखर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई पद नहीं लिया था, सीधे प्रधानमंत्री बने। एक उन्होंने यात्रा निकाली थी, जेपी के पास भी कोई पैसा नहीं था, इंदिरा गांधी उस अब तो विपक्ष भी है, उस वक्त तो विपक्ष भी नहीं था, इकट्ठे हुए और आकर के आंदोलन खड़ा कर दिया। आज के लोगों में और उन लोगों में वाकई फ़र्क है। बोले ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे, देश से प्यार करने वाले ज़्यादा होते थे, धर्म दिल में होता था, मंदिर में होता था, मस्जिद में होता था, सिर पे नहीं होता था। अब तो दिमाग के अंदर अंधेरा घुसेड़ दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुछ चुनौतियाँ वाकई ऐसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर बताता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, 4 दिन में उनका बुखार उतर जाता है। ये बुखार उतर जाएगा धर्म का भी, जब पेट में और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं होंगे और सही नीतियाँ सामने रखी जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ईमानदाराना कोई भी एक नायक बनकर उभरेगा और जीत जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि राहुल गांधी हो या कोई और नेता, साफ शफाफ किरदार का व्यक्ति होना चाहिए। पार्टी में तो हो सकते हैं बागड़ बेल्ले हों, लेकिन वो अकेला बंदा ऐसा ही होना चाहिए कि जिसके दामन पे कोई दाग ना हो और जो ईमानदार व्यक्ति हो। कुछ कुछ राहुल गांधी नज़र ऐसे आते हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। देखिए, आज खबर देने का मूड नहीं, मैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हाजिर हुआ कि पैसे से इलेक्शन नहीं जीते जाते। आंध्र प्रदेश में जो वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रैश होकर शहीद हो गए थे, मर गए थे, उनका बेटे हैं वो रेड्डी साहब, क्या नाम उनका, वो आए एक मरतबा सोनिया गांधी के पास कि साहब हमें कुछ बना दी। उनकी वालदा भी थी, ऐसा बिल्कुल चर्चा है, टीवी पे काफ़ी खबर भी है, नेट पर भी पड़ी हुई है। उनको मिलने में कई घंटे लगा दिए गए और उनको वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। वो आदमी वापस गया, उसने एक यात्रा निकाली, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, मैं कई बार बता चुका हूँ। वो यात्रा निकाली पूरे आंध्र प्रदेश में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर दोबारा भी चीफ मिनिस्टर वही बना है, पहली बार भी वही बना है दोबारा, और 22 सीटें लगभग 22 सीटें तो उसी की है लोकसभा की। उस आदमी ने ज़मीन को बदल कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि आज लोग ऐसे नहीं हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। बिहार की जनता से मुझे उम्मीद ऐसी रहती है, साउथ में लोग ऐसे हैं। हिंदी बेल्ट पर तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, तड़का लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 63% जनता यहाँ पर ही ऐसी है। जयंत चौधरी बदलें, स्वामी प्रसाद मौर्य बदलें या अशोक चौहान बदलें, लेकिन अगर आप मोदी जी के सामने सही नैरेटिव सामने रख करके बात करते हैं, मुद्दों पर धर्म की बात नहीं करेंगे, मस्जिद मंदिर की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे और एक्चुअल स्थिति बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पे अभियान चलाकर नए लोकल छत्रा इकट्ठे करके अगर आपने इस काम को कर दिखाया, ये 4 महीने बहुत हैं। तो खाली इलेक्शन का वो बंद हो गया पूरा, देखा यूट्यूबर लग गए। एक खबर आती है सुबह ही सुबह, हम सबको से कहा जाता है, हम भी करते हैं काम, देखो क्या है, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग। तो खबरें चलती हैं, लेकिन मैं तो आपको दरअसल जितना भी मैं जानता हूँ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि हकायक आपके सामने आ जाएँ। उसको तो मुझे थोड़ा संजीदा होकर खबर बतानी पड़ेगी ना, तो ये बात है। बहरहाल वो अपनी बात पर आता हूँ कि पैसे से खाली चुनाव नहीं लड़ा जाता, इस बात का हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो करते रहेंगे, तो इनका कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी ज़मीन पर आप सच्चाई को पकड़े खड़े रहें और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके साथ ज़मीन पर खड़े होने वाले जन समूह में से ईमानदार व्यक्ति बहुत हैं। देश चल इसीलिए रहा कि ईमानदार व्यक्ति हैं। ये जो छोटे छोटे तबके हैं, ये हिंदुत्ववादी दल, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये उस ज़माने से हैं जब गांधी जी को मारा था इन्होंने, और उससे पहले आ जाओ 1924 में जब RSS की बुनियाद रखी और सावरकर वापस जेल से आया, उस वक्त भी ये हालात थे। वो गया था देशभक्ति में, वापस लौटा था RSS का बन के और सिर्फ जहर उगलने लगा था, किताब भी लिखी थी उसने। तो ये चलते नहीं है। सन 66 में जब मरा वीर सावरकर, उसको कोई जानता नहीं था देश में, लेकिन बहरहाल वो आग लगी हुई थी धर्म के अदबार से भी कभी कभी। तो इमरान खान ने दरअसल अमेरिका से लड़ करके अपने लोगों के सामने एक विजन रखा था, एब्सोल्युटली नॉट, लोगों ने उसका साथ दिया। उनसे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हम होंगे, एटलीस्ट मैं समझता हूँ, हालांकि उनके यहाँ बहुत एलिट क्लास है। जो यहाँ देश से मुस्लिम गया है, सारा क्रीमी लेयर तो वहीं चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका वहाँ बेचारे लिटरेट लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चे लोग हैं, उन्होंने आकर के रोड पर दिखाया। भारत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। बंगलों से निकलो, अखिलेश यादव, मायावती जिस दिन 3 महीने गेट रोड पर आ गई ना, हिंदुस्तान की हालत बदल जाएगी, उत्तर प्रदेश की बदलती। मगर दलित समाज के बारे में एक वोट पे ₹1, एक वोट पे ₹10 का लेने का प्रचलन है, तो बेचते रहिए। काशीराम ने अपना खून पसीना लगा के विरासत को बनाया, आप बेच दीजिए। ऐसे आरोप आप पर लगते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी कोई बात अपनी तरफ से कही नहीं है। आप पे आरोप लगते हैं, समाजवादी पैसे नहीं लेती, दुनिया को मालूम है, कांग्रेस पैसे नहीं लेती, भाजपा पैसे नहीं लेती, बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगते हैं, काहे के पैसे लेती हो। आप सीधा सीधा कहो ना, कार्यकर्ता से ₹1 लूंगी, जैसे आकाश काशीराम कहते थे कि एक वक्त खाना और ₹1 लेकर आना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक साहब और भी तो उन्होंने भी ₹1 की बात चलाई थी, ₹1 करोड़ इकट्ठा हुआ, झगड़ा हो गया। खैर, तो बहरहाल देश में आज भी गुंजाइश है दोस्तों। मैं आपको बताना ये चाहता था कि वाकई कमाल है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।